सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। तो वीवो आईपीएल 2021 का सेकंड फेज खेलने के लिए आईपीएल की सभी 8 टीमें यूएई पहुंच चुकी हैं और वहां पर लगातार प्रैक्टिस कर रही हैं। आईपीएल 2021 का सेकंड पार्ट स्टार्ट होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, जो कि 19 सितंबर 2021 से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर 2021 को खेला जाएगा। तो आईपीएल के बचे हुए 31 मुकाबले यानी कि आईपीएल पार्ट 2 टोटल यूएई में खेले जाएंगे, यूएई के 3 स्टेडियम में, दुबई, अबू धाबी और शारजाह क्रिकेट स्टेडियम। ऐसे में आईपीएल 2021 के सेकंड पार्ट के लिए आईपीएल के सभी 8 टीमों के कप्तानों की घोषणा हो चुकी है कि वो कौन कौन से खिलाड़ी होंगे जो अपनी अपनी टीम की तरफ से कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे आईपीएल पार्ट 2 में। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे, पूरी विस्तार से आपको बताने वाले हैं सभी टीमों के कप्तानों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आप क्रिकेट की हर अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, हर न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं क्रिकेट रफी के नाम से। जबकि आप इंस्टा और फेसबुक पेज को भी लाइक फॉलो कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए बात करते हैं सभी 8 टीमों के कप्तानों के बारे में। तो पहली टीम है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लेकर काफी बातचीत किया जा रहा था कि कप्तानी कौन करेगा आईपीएल पार्ट 2 में, जहां आईपीएल पार्ट 1 में ऋषभ पंत कप्तानी करते हुए दिखाई दिए थे, जब इनके मेन कप्तान श्रेयस अय्यर इंजरी की वजह से आईपीएल पार्ट 1 से बाहर हो गए थे। अब ऐसे में श्रेयस अय्यर 100% फिट हो चुके हैं और आईपीएल पार्ट 2 खेलने वाले हैं यूएई में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। तो श्रेयस अय्यर की वापसी के बाद क्या अय्यर कप्तानी करेंगे या फिर ऋषभ पंत ही कप्तानी करने वाले हैं, तो इसको लेकर दिल्ली कैपिटल्स के टीम मैनेजमेंट बड़ा फैसला लिया है, जहां ऋषभ पंत को ही कप्तानी सौंपी गई है आईपीएल पार्ट 2 के लिए भी। यानी कि श्रेयस अय्यर सिर्फ प्लेयर के तौर पर खेलने वाले हैं और ऋषभ पंत कप्तानी करने वाले हैं आईपीएल पार्ट 2 में भी, जहां दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से बयान ये आया है कि श्रेयस अय्यर लंबे समय के बाद वापसी कर रहे हैं इंजरी के बाद। ऐसे में वो उन पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहते हैं, इस वजह से श्रेयस अय्यर आईपीएल 2021 में फिलहाल तो एज ए प्लेयर के तौर पर खेलने वाले हैं और कप्तानी ऋषभ पंत ही करने वाले हैं आईपीएल पार्ट 2 में। बात करते हैं दूसरी टीम के बारे में, तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है। दोस्तों इस टीम के बारे में भी काफी ज्यादा बातचीत किया जा रहा था कि यॉन मॉर्गन आईपीएल पार्ट 1 में कप्तानी करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन परफॉर्मेंस टीम का काफी खराब था, इस वजह से यॉन मॉर्गन आईपीएल पार्ट 2 नहीं खेलेंगे और उनकी जगह पर शुभमन गिल या फिर दिनेश कार्तिक कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों ये सब अफवाह था, लेकिन अब इन सभी बातों से पर्दा उठ चुका है और यॉन मॉर्गन आईपीएल 2021 का सेकंड पार्ट खेलने वाले और खेलेंगे, साथ ही साथ कप्तानी भी करते हुए दिखाई देंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से यॉन मॉर्गन। जहां आपको बता दें कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल तौर पर स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि इंग्लैंड के जो जो खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं वो आईपीएल पार्ट 2 भी खेलने वाले हैं, उन्हें एनओसी दी गई है। हालांकि उस दौरान कई सारे इंटरनेशनल सीरीज और मैचेस खेले जाएंगे, लेकिन जो जो खिलाड़ी आईपीएल खेलते हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी वो आईपीएल खेल सकते हैं, आईपीएल खेलने के लिए अवेलेबल है। तो ऐसे में इंग्लैंड के सभी खिलाड़ी खेलने वाले हैं आईपीएल पार्ट 2 में। अब चलिए बात करते हैं तीसरी टीम के बारे में, तो वो है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, जहां एसआरएच की टीम ने बीच आईपीएल में बड़ा फैसला लिया था, अपने मेन कप्तान डेविड वार्नर से कप्तानी छीन ली गई और उनकी जगह पर केन विलियमसन को एसआरएच का नया कप्तान बना दिया गया था। लेकिन यहां पर सवाल है कि क्या केन विलियमसन आईपीएल पार्ट 2 में खेलेंगे, और अगर खेलेंगे तो क्या कप्तानी करेंगे या फिर डेविड वार्नर कप्तानी फिर से करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इन सभी सवालों का जवाब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दिया है, जहां न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने सभी खिलाड़ियों को एनओसी दे दी है आईपीएल पार्ट 2 में खेलने के लिए। हालांकि उस दौरान पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की भी सीरीज खेली जाएगी, लेकिन जो जो खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं उन सभी खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने रेस्ट दिया है। ऐसे में वो सभी खिलाड़ी आईपीएल में खेलेंगे, बाकी बचे हुए सभी खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलने वाले। तो केन विलियमसन ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के सभी खिलाड़ी आईपीएल पार्ट 2 में खेलने वाले हैं, और केन विलियमसन जब खेलेंगे आईपीएल पार्ट 2 तो कप्तानी भी करने वाले हैं, यह बात भी 100% कंफर्म हो चुका है और अनाउंस भी हो चुका है, और डेविड वार्नर कप्तानी नहीं करेंगे आईपीएल पार्ट 2 में। अब चलिए बात करते हैं चौथी टीम के बारे में, तो गाइस वो है राजस्थान रॉयल्स की टीम। राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन आईपीएल पार्ट 1 में काफी खराब रहा था, सवाल उठ रहे थे संजू सैमसन की कप्तानी को लेकर भी, लेकिन संजू सैमसन अभी काफी युवा प्लेयर और कप्तान है, ऐसे में संजू सैमसन को सीखने के लिए भी टाइम तो लगेगा ही लगेगा। और संजू सैमसन को लेकर भी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका कि संजू सैमसन ही आईपीएल पार्ट 2 में कप्तानी करने वाले हैं। अब बात करते हैं पांचवी टीम के बारे में, तो गाइस मुंबई इंडियंस है। मुंबई इंडियंस के बारे में बात करना सही नहीं है, क्योंकि मुंबई इंडियंस का तो पहले ही कन्फर्म है कि रोहित शर्मा कप्तानी करने वाले हैं और आईपीएल के ये सबसे सक्सेसफुल कप्तानों में से एक हैं, सबसे ज्यादा ट्रॉफी जिता चुके हैं मुंबई।
मुंबई इंडियंस की टीम को। उसके अलावा बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, तो सीएसके को लेकर भी काफी कुछ बात हो रही थी कि आईपीएल पार्ट 2 नहीं खेलेंगे महेंद्र सिंह धोनी। कोई कह रहा था कि फाफ डब्ल्यूसीज कप्तानी करेंगे आईपीएल पार्ट 2 में, तो कोई कह रहा था कि श्रेयस रैना, लेकिन इन सभी अफवाहों से पर्दा उठ चुका है। और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने भी ऑफिशियल तौर पर स्टेटमेंट जारी कर दिया कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2021 के सेकंड पार्ट में भी कप्तानी करने वाले हैं। अब चलिए बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बारे में। तो आरसीबी के बारे में भी बात करना सही नहीं है, क्योंकि आरसीबी को लेकर अभी सब कुछ कंफर्म है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से आईपीएल पार्ट 2 में भी विराट कोहली ही कप्तानी करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब किंग्स के बारे में, तो पंजाब किंग्स की तरफ से भी केएल राहुल कप्तानी करने वाले हैं।